नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। प्रदेश की बात भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोहसाद अंसारी। तो कई ऐसा मुद्दे है जिस पर आज बातचीत चर्चा करनी बहुत जरूरी है। जैसे अरविंद केजरीवाल 2 तारीख को जो है समन जो उनको ईडी ने जारी किया, दूसरी बात जो विश्व युद्ध के जो मुहाने पे दुनिया खड़ी है, हमारे जो मीडिया है वो एक तरफा दिखाई रही है, एक तरफा। ये अगर मैं बात ये समझू कि फिलिस्तीन पर जो हमारी हमारी जो सरकार है, जो उसका स्टैंड है, उसका कहना है कि वो निष्पक्ष फलस्तीन के पक्ष में है, जो उनकी पुरानी नीति, जिसे हम जानते हैं कि फलस्तीन के राजदूत भी हमारे देश में रहते हैं, लेकिन मीडिया जो है वो सुर को एक तरफा दिखा रही है। एक तरफा ये दिखा रही है कि सब जो इसराइल पर जुल्म बढ़ गया तो वो ठीक है, इसराइल पर जो 7 अगस्त को जो हमला हुआ था हम उसकी निंदा करते हैं और कहीं से कहीं तक भी उसको सही ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन पिछले 23 दिनों से जो लगातार लगातार इसराइल बमबारी कर रहा है, इसराइल वहां के हॉस्पिटल को तबाह बर्बाद कर रहा है, बल्कि एक हॉस्पिटल में तो लगभग लगभग 500 से 700 लोगों की मृत्यु हो गई और अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, जिनेवा कन्वेंशन की मैं बात करें तो उनको ताक पर रखा गया है। पिछली जैसे कि एंटोनियो जो अंतरराष्ट्रीय महासभा के जो महासचिव हैं, उनका भी कहना था कि कम से कम युद्ध को रोका जाए और मानवीय सहायता उनको जो फलस्तीन के मासूम इनोसेंट है, हम फिर से इस बात को वाजे कर दें, क्लियर कर दें कि हमास के उस हमले के साथ हम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो हुआ हम निरंतर निरंतर देख रहे हैं कि लगातार बमबारी हो रही है और 100 शत विशत हो रहे हैं और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जिसके अरब कंट्रीज के जो लोग हैं, चाहे वो मिस्र हो, लेबनान हो, सीरिया हो, ईरान हो, सऊदी हो, यूएई, कतर, वो सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस खुलकर उसके साथ खड़े हैं, लेकिन हमें ये सोचना होगा क्योंकि हमारे संबंध यूएई से भी हैं, हमारे ओआईसी जो है मुस्लिम इस्लामिक जो काउंसिल है उसके साथ भी हमारे संबंध है, रूस के साथ भी। आज हम देख रहे हैं कि रूस जो है खुलकर जो है, हम आपको दिखाना चाहेंगे स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह की जुल्मे बर्बाद हो रही है और किस तरह से रॉकेट गिराए जा रहे हैं और मानवीय सहायता बिल्कुल नहीं पहुंच रही। लेकिन क्या जरूरी नहीं है कि मानवीय सहायता उन लोगों को, जिस तरह देख सकते हैं कि लगातार बमबारी हो रही है और लोग मारे जा रहे हैं, मतलब जो हम बात करें विसर्जन, मतलब एक आदमी को मरने के बाद जो उसको क्रिया है वो भी ठीक से नहीं हो पा रही है, बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं, उन पर लाशों को 100, 50, 150 ऐसे रखकर और जेसीबी द्वारा उनको भरा जा रहा है। तो हम इसकी निंदा करते हैं कि, और निंदा हम हमास की भी करते हैं, लेकिन सभी को विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय महासभा के जो महासचिव एंटोनियो, उनकी भी बात को सुना जाना चाहिए। और सबसे पहले उनकी बिजली का पिछली बार थोड़ी सी मानवीय सहायता भी पहुंची है, उससे पहले उनके पास ना बिजली था ना पानी था, और जो ओआईसी है जिससे कि मैं देख रहा था, आज तक पर मैं देख रहा था जो उसके जो एंकर्स थे वो क्या कह रहे थे कि इसराइल बमबारी कर रहा है और फल और जो अरब हैं वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। तो किसी भी एक भी इनोसेंट व्यक्ति की हत्या को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसके बदले में हजारों लोगों की हत्या करना भी कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। और जिनेवा कन्वेंशन की मैं बात करूं, युद्ध की मैं बात करूं, जैसे हमें तय हुआ था कि किसी भी सिविलियंस पर, अस्पताल पर, हॉस्पिटल पर, कॉलेज पर बम नहीं गिराए जाएंगे, लेकिन उसका पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। और बात तो अगर एंटोनियो जो अंतर्राष्ट्रीय महासभा के जो महासचिव हुए, उन्होंने अगर कुछ कहा भी तो इसराइल ने कहा कि उनको उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। तो विश्व संगठन से मैं कहना चाहूंगा, पूरे चाहे यूरोप हो, मध्य पूर्व एशिया हो, अमेरिका हो, आज जरूरत है उन मासूमों को उनका घर दिलाने की, सबसे बड़ी जरूरत है। और हम ये कहते हैं कि मानवीय आधार पर हमास को भी जो इसराइल के और देशों के जो बंधक है उनको छोड़ देना चाहिए। देखिए हमारे देश में एक बात चल रही है, जब ये स्टैंड सरकार ले रही है कि वो निष्पक्ष फलस्तीन के पक्ष में है, तो क्या हम आज हम देख रहे हैं कि हम इसराइल अगर फलस्तीन के समर्थन में कोई बात भी करते हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये कट्टर है, तालिबानी मानसिकता है, तो फिर उस बात का क्या होगा? उस बात का वसुदेव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि पूरे विश्व जो हमारा
हमारा हमारा संघ हमारा जो परिवार है हमें परिवार की रक्षा करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। धर्म के नाम पर किसी की हत्या कभी भी उसको उस वो मजहब कभी भी नहीं मान सकता। तो दोस्तों, और दूसरी बात तो आखिर में फलस्तीन के बारे में हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे, विश्व बिरादरी को मिलकर, सबको मिलकर, भारत को भी मिलकर उसको उनको मानवीय सहायता पहुंचानी चाहिए और जंग जितनी जल्दी हो सके वो बंद होनी चाहिए। ये इनका स्टंट रहा है। इसराइल हो, अमेरिका हो, वो पहले उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं सांप का बच्चा है, फिर उसको दूध पिलाया जाता है, जब वो बड़ा होकर अजदा बन जाता है तो उसको फिर आतंकवादी घोषित किया जाता है। जैसे कि हमने देखा, जैसे कि जब जब अफगानिस्तान पर रूस ने कब्जा किया और उसको हटाने के लिए कबायली जो मुल्ला उमर, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी, ये जग जाहिर है कि अमेरिका ने उनको हथियार दिए, सारी बात करी, लेकिन तो दोस्तों मानवीय आधार पर उन लोगों को जो है वो सहायता मिलनी चाहिए। मानव जीवन बहुमूल्य है। और दूसरी बात, अब बात करते हैं केजरीवाल की, जो कल 2 नवंबर को ईडी ने उन्हें समन भेजा है। जहां तक आम आदमी पार्टी के उनके सभी नेताओं का कहना है कि बीजेपी उनको दबाना चाहती है, उनकी पार्टी को, जैसे बहुत जल्दी उन्होंने नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त किया तो बीजेपी उनको कुचलना चाहती है, ताकि उनके जो संजय सिंह जो उनके राज्यसभा सांसद वो भी जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जो है वो भी बेल पर बाहर है। और कल देखना यह होगा क्या अरविंद केजरीवाल से सिर्फ पूछताछ होती है या उनको एविडेंस का, जैसे कहा हमेशा ईडी ऐसा ही करती है, पहले पूछताछ के लिए समन भेजती है, फिर जांच करती है और फिर बाद में उनको अरेस्ट कर लेती है। तो कल देखना यह होगा दिलचस्प, क्या सिर्फ उनसे पूछताछ होती है समन के द्वारा, या कल आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनको गिरफ्तार करती है। अगर ये गिरफ्तार करती है तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा और इससे हो सकता है कि बहुत सारी राजनीति में उथल पुथल हो। और दूसरी बात, लास्ट में कमेंट ये करना चाहेंगे, जिसे भी आप देख सकते हैं कि परसों हमारे जो मुसलमान विधानसभा में आम कांग्रेस पार्टी के जो नव निर्वाचित अध्यक्ष है अरविंद सिंह लवली जी, उनका एक प्रोग्राम हुआ था, जवाब दो हिसाब दो। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी निरंतर ये बात करती है कि वो जाति जनगणना उन्होंने बिहार में कराई, जाति जनगणना की बात करी थी, तो दोस्तों हमारा सवाल अरविंद लवली नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे सवाल था कि अभी ये सवाल हमारा आम आदमी पार्टी से भी है, जो लोगों ने हमसे सवाल पहुंचा है कि ये सवाल पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, क्या अगर इंडिया गठबंधन अगर होता है तो क्या 1 से 2 सीट मुस्लिम समाज को दी जाएगी। जब ये सवाल हमने उनसे उठाया, उनके समक्ष इस सवाल को रखा, क्या कांग्रेस पार्टी अगर आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है तो क्या, क्योंकि हर बार किसी भी मुस्लिम को कैंडिडेट लोकसभा का नहीं बनाया जाता, तो क्या इस बार वो जब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, ये पता लगाने की बात कर रहे हैं कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कितनी आबादी है, उसके अनुरूप वो काम करेंगे। तो पब्लिक के बहुत सारे लोगों का सवाल थे कि ये सवाल, जब कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी मुसलमानों का भर भर के वोट देती है, उनको अपने उनके वोट पर अपना अधिकार जमाती है, तो हमें लगता है समानता के तौर पर उनके उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इसी सवाल पर जब हमने कहा कि अरविंद लवली जी से कहा, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, कि क्या सर इसका अगली लोकसभा चुनाव में क्या 1 से 2 सीट लोकसभा की मुसलमानों को मिलेंगी, तो दोस्तों उनके मुंह में दही जम गया, उन्होंने कोई भी जवाब दिए बगैर वो चले गए। तो हमारा कुछ लोगों का मानना है कि बहुत सारे लोगों को फीडबैक मिलता है कि हमेशा मुसलमानों का शोषण हुआ है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सबने मिलकर आम आदमी पार्टी का तो। और दूसरी बात मैं तो ये भी कहता हूं, आने वाले 5 राज्यसभा के चुनाव में पार्टी को कहना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को कि अगला मुख्यमंत्री चाहे मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, वो मुस्लिम होगा। तो दोस्तों दिनेश 24 इंडिया से हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब।